पंजाब के डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पहले वहां चलो। काउंटर इंटेलिजेंस अते मोहाली जिला पुलिस ने दिन रात एक करके इस केस नू 3 दिन लगा के आज चौथे दिन असी बैठे हैं, ये केस ट्रेस कीता है। केस ट्रेस कीता है तो इसका मैं दसना चाहूँगा दैट मेन परसन जिहड़ा की कॉन्सपिरेटर कह सकते हैं, जिसने सारा कुछ लॉजिस्टिक ऑर्गेनाइज की है, वो हैगा लखबीर सिंह लांडा। लखबीर सिंह लांडा ये तरन तारण जिले का रहने वाला है। लांडा ये गैंगस्टर होंदा सी और 2017 दे विच कैनेडा शिफ्ट कर गया सी पुलिस का प्रेशर देख। 2017 ही शिफ्टेड टू कैनेडा। ही इज अ क्लोज एसोसिएट ऑफ हरविंदर रिंदा, जिहड़ा असी सारे जानते हैं दैट ही इज इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ वदावा सिंह एंड पाक ISI एंड ही ऑपरेट्स फ्रॉम पाकिस्तान। सो रिंदा एंड लांडा दिस एक्सिस, सो वी कैन सी दैट BKI एंड गैंगस्टर ये जरा एक्सेस है इन्होंने मिलके किया है एंड ऑफ कोर्स विद द बैकिंग ऑफ पाक ISI। नाउ लांडा दे जड़े मेन एसोसिएट जो साढ़े नोटिस आए हैं, वन ऑफ देम इज निशान सिंह। निशान सिंह जड़ा है ये भी तरन तारण का रहने वाला है और थोड़े दिन पहले इन्हों फरीदकोट पुलिस ने भी राउंड अप किया सी, अरेस्ट किया है। और एक आया है चढ़त सिंह। चढ़त सिंह ये भी तरन तारण का है। चढ़त सिंह ये दोनों तरन तारण जिले के रहने वाले हैं। निशान सिंह ने इस दे जड़े मेन दो असी कह सकते हैं दो जड़े बंदे जड़े आए सी जिन्होंने इंसीडेंट किया है, इन्हां नू सारी शेल्टर प्रोवाइड करने का काम और खास करके मोस्टली अमृतसर इलाके च ये निशान सिंह ने किया है अपने घर भी ते नाल दो होर घरां दे विच भी, एक कंवर बाठ दे ते एक बलजीत कौर दे। कंवर बाठ एंड बलजीत कौर ये रिलेटिव नहीं है, ये अलग अलग हैं। ये सारे कॉन्टैक्ट हैं निशान सिंह दे और निशान सिंह ने अपने घर भी रखा इन उन्होंने और कंवर बाठ दे भी रखा ते बलजीत कौर दे भी रखा। नाउ निशान सिंह ने ही इन्होंने एक RPG एक लोकेशन ते इनू दस्या सीगा लांडा ने उत्थों रिट्रीव करके इन बंदियां नू दित्ती जो कि RPG बाद दे विच बरामद हुई है इंसीडेंट दे बाद। निशान सिंह दा बड़ा पिछू कड़ी है, 14-15 केस हैं, अबाउट 12 केसेस। पंजाब DGP को आप सुन रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि निशान सिंह जिसे पहले से गिरफ्तार किया गया है तरन तारण का रहने वाला है और एक चरण सिंह का नाम उन्होंने लिया जो इसमें मुख्य आरोपी है। दरअसल इस पूरे ब्लास्ट में ये बहुत बड़ा खुलासा है, मॉडस ऑपरेंडी को लेकर भी DGP इस पर बात कर रहे हैं। ये तस्वीर आपको याद होगी किस तरह से इंटेलिजेंस ऑफिस के ऊपर जो हमला हुआ था उसके बाद कई सवाल खड़े हुए कि आखिर इतनी बड़ी चूक हुई तो हुई कैसे। उसी को लेकर NIA इसकी जांच कर रही थी, NIA की टीम वहां पर पहुंचती है और अब ये सारी जानकारी DGP की तरफ से दी जा रही है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.